आज यहाँ विशेष सदन की बैठक बुलाई गई थी और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन आप पार्टी के लोग बार 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 कुछ ना कुछ बदतमीजी करे जा रहे थे, सदन चलने नहीं दे रहे थे, और लेकिन बाद में इतनी ज़्यादा बदतमीजी पे उतर आए कि उन्होंने, मैं वहाँ पर खड़ी हुई थी और मुझे देखकर फ्लाइंग किस करने लग गए। तो क्या हम महिलाएं इतना अभद्र व्यवहार हम कहाँ से बर्दाश्त करेंगी? इतनी बदतमीजी, इतने खुलेआम वो, और एक बार नहीं 7-8 बार उसने फ्लाइंग किस किया, तो मैंने रानी के ऐसे मैंने चप्पल उतारी। मनोज त्यागी उसका नाम है, और ड्रिंक भी करी थी नशे की हालत में। ये लोग सदन में आते हैं, ये सदन को क्या अखाड़ा बना रखा है बदतमीजी का? जब भी कोई अच्छे बैठक होती है, कुछ भी अच्छे मुद्दे पास होने होते हैं, उससे पहले ही अपने ये कुछ ना कुछ नाटक दिखाने लग जाते हैं। तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे को फ्लाइंग किस 5-7-8 बार करता जा रहा है इस तरह से देख के, और हम सब आसपास महिलाएं खड़ी हैं, तो महिलाओं की इज्जत और सुरक्षा का सवाल है। वहाँ कहाँ कहते थे सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे हम, महिलाओं की सुरक्षा के लिए करेंगे वो करेंगे, और इनके पास इतनी गंदी गुटागर्दी पे उतरे हुए हैं, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो कोई कार्रवाई के लिए आप लोग सोच रहे हैं क्या? अगर बिल्कुल FIR करनी चाहिए इन लोगों के लिए, बदतमीजों के लिए। हमारे मेयर साहब को बोल दिया है कि मेयर जी जो भी कार्रवाई करेंगे हम उनका आदेश होगा, हम कार्रवाई। और इसमें मेरे को कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अगर बलात्कार ही आके खड़ा होता है तो क्या महिला पहले इंतजार करेगी कि पहले इसको बुलाए उसको बुलाए? अपनी सेफ्टी करेगी कि सुरक्षा करने के लिए कुछ भी हाथापाई भी हमें करनी पड़े तो हम करेंगे? और मैंने कोई गलत नहीं किया, एक या दो चप्पल मारनी चाहिए ऐसे लोगों के। हमारा यहाँ सदन चल रहा था, कुलदीप हमारे नेता बहुत बोल रहे थे, और उनके बोलते बोलते रोमेश गुप्ता और राजकुमार बल्लन अपनी सीट से उठकर के हमारे सामने आ गए और मारने की धमकी देने लगे। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर अगर बीच में ना आए तो वो हाथ छोड़ देते। तो ये इनकी गुंडागर्दी का प्रमाण है, और इनकी महिलाएं जो गालियां दे रही हैं, व्यवहार कर रही है, स्लोगन दे रही है, उसके अलावा चप्पलें दिखा रही है, चाटे दिखा रहे हैं, मतलब ये सदन की जो मान सम्मान होता है वो सीधा सीधा ये छिन भिन करने का काम कर रहे हैं। इनके सामने सदन कुछ नहीं, मेयर की बात कुछ नहीं, इन्हीं के लोग मेयर की बात को सुनने को तैयार नहीं। बीजेपी पार्षदों का, महिला पार्षद का आरोप है कि आपके तरफ से फ्लाइंग किस दिया गया। बिल्कुल गलत आरोप है। तो मैंने उनको कहा ये गलत बात है, मैंने ऐसे मुंह करके, मैं कहा ऐसी बातें मत करो, मैंने ये कहा फ्लाइंग किस का मेरा क्या मतलब, कैसी ये सदन के अंदर इतनी अभद्र बात कौन करेगा, कौन कहेगा, ऐसा कोई करने का मतलब ही नहीं। उनका जो स्लोगन था उसमें गाली दी बीच में, मैंने कहा ये गंदी बात है ये मत करो, मैंने ये बात कही है, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं फ्लाइंग किस करूँगा, कोई गलत बात नहीं, मैं बहन की तरह मानता हूँ।